खरगोन जिले के बलवाड़ा में मंगल आयल मिल फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। तकरीबन 70 से 80 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मामला बीती रात का बताया जा रहा है। मिल मालिक विष्णु अग्रवाल का कहना है कि 70 से 80 लाख का नुकसान हुआ है। आग पर काबू हेतु बड़वा, ओंकारेश्वर, सनावत, खरगोन की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशामन से आग पर काबू पाया है। बड़वा से रफीक गुंडा की रिपोर्ट। आग का कोई अज्ञात कारण से फैक्ट्री तो बंद थी लॉकडाउन में। इसकी सूचना आपको कैसे मिली? लगता है मेरा चौकीदार का फ़ोन आया, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को लपटे दिखे यहाँ पे, नाइट ड्यूटी जो करते हैं 100 नंबर वाले, उनको उनने चौकीदार को बुलाया, चौकीदार से नंबर लेके मेरे को फ़ोन आया वहाँ पे। फोन से सूचना मिली, वैसे हम तीनों बाप बेटे आए थे यहाँ पे। कितनी बजे की घटना है? करीबन 1:30 से 2 बजे की। बलवाड़ा 100 नंबर से करीब 2:45 बजे के करीब फोन आया था कि यहाँ आयल मिल में आग लग गई है। वैसे मैंने हमारे फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को फोन लगाया, मैंने कभी आग लग गई है, अपने को जाना है। ये रवाना हुए उसके बाद में तुरंत यहाँ से फोन आते कि भी आग ज्यादा लग गई है। फिर मैंने सनावत, ओंकारेश्वर सभी दूर फोन लगाए और साथ में आए, मन के आग बुझाया। करीब 5 गाड़ी बड़वा की लग गई है और 4 सनावत की और 3-3 गाड़ी इनकी लग गई, खरगोन की इनकी भी जो आई बाहर से गाड़ी, ओंकारेश्वर के हैं, सभी जने आए थे आग बुझाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।